अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं तो फिर ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हिलवन वो किसकी है। मैं मुतालबा करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी और उस मुअज्जज बेंच से जिसने पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर तो 100 मोटो नोटिस लिया है, वो मेहरबानी फरमाए। मैं भी इस मुल्क का एक शहरी हूँ, मैं उस केस में जो है वो 6 महीने बेगुनाह जो है वो मैं बंद रहा हूँ, तो उसका भी 100 मोटो नोटिस ले कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। अगर तो वो मेरी हो तो बिल्कुल मुझे कैपिटल पनिशमेंट दे, बिल्कुल उसमें कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है बिल्कुल जो है ना वो मेरे ऊपर नाफिज करें। और अगर वो मेरी नहीं है और वो बनी गाला से वो बैग जो है वो शहजाद अकबर ने पहले उस वक्त के आईजी इस्लामाबाद को पहुंचाने की कोशिश की, उसे कहा कि ये लो बैग ये राणा सनाउला के लॉज में रख दो जब वो फैसलाबाद गया हो, और जब वो आए तो वहाँ से बरामद कर लो, और जब वो इस बात पे तैयार ना हुआ तो उसके बाद फिर ANF को जो है वो इस काम पे ऊपर लगाया गया। तो अगर ये साबित हो जाए तो मैं इनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं, मैं इनके लिए कहूँगा कि इनको सिर्फ जो है वो उम्र कैद किया जाए, लेसर पनिश किया जाए, ताकि ये दोनों साहबान जो हैं उसमें उम्र कैद हो जाएं और इस मुल्क और कौम की जो है वो इनसे जो है वो जान छूट जाए और मुल्क और कौम जो है वो इससे जो है वो महफूज हो जाएं। तो अगर ये इस बात पे आ गए हैं कि ये सब कुछ बताना चाहते हैं तो फिर ये भी बता दें कि ये जो हरासा किया जाना, तंग किया जाना, हमें तो बज़ाहिर जो है वो इस वक्त तक कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई, सिर्फ इनसे सवाल पूछे गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरीज हो रही हैं, और हमने किसी भी जो है वो एजेंसी को ये नहीं कहा कि इसमें जल्दी करें, कुछ ना कुछ ज़रूर निकालें। ठीक है, अगर कोई निकलेगा इंक्वायरी जो है वो मेरिट्स पे जो है वो फाइनलाइज होगी तो उसके मुताबिक जो मुकदमा बनता है, जो कार्रवाई होती है, जो कानून रास्ता लेता है वो कानून अपना रास्ता जो है वो लेगा। तो फिर ये क्या ये इक्तदार से महरूमी जो है ये तंगी है आपको? आपको डी चौक में आगे बैठने नहीं दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। आपने जो दौंस और ब्लैकमेलिंग का एक जो है वो आपने रवैया बनाया हुआ था और आप जो है वो एक जाली बदमाश बने हुए थे पूरी कौम के लिए कि ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं फिर आ रहा हूँ।